हाय मिस्टर लेट। सो गाइस वी आर लाइव। आई थॉट हमने ऑफिस शुरू कर दिया है, सो एक बारी ऑफिस से भी लाइव जाया जाए, दिस इज नो हार्म। सो कैसा चल रही है लॉकडाउन एंड हाउ इज द आफ्टरनून फॉर एवरीवन? सत श्री अकाल जी। हेलो जी प्रिंस, हेलो। सो आई थिंक 4 o'clock का टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है लाइव जाने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि 4 बजे हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है करने के लिए एंड थोड़ा रिलैक्स मोड होता है। सो गाइज वी आर गोइंग लाइव टुडे विद सिद्धू बाजी, मिस्टर सिद्धू मूसेवाला, एंड अभी वो हमारे साथ अगले 10-1 मिनट तक लाइव में ज्वाइन करेंगे एंड 5-7 मिनट और में ही विल बी देयर। तब तक आई थॉट मैं थोड़ी सी गपशप मार लूँ। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, ही इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स। पुष्कर एंड बस कमिंग सर, एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट हिम, ही इज़ देयर वेरी वेरी शॉर्टली। आज एक्चुअली सिद्धू पाजी की मॉम का बर्थडे है, सो इट्स बीन अ क्रेजी डे फॉर हिम सुबह से ऑफकोर्स, एंड आप सब लोगों ने उनका गाना भी देखा होगा आज जो आया है मॉम के ऊपर। सो रियली अप्रिशिएट द वे ही थिंक्स एंड हम सब लोगों को मोटिवेशन लेनी चाहिए उनसे। सो गाइस एनी क्वेश्चंस यू हैव टिल देन इज मोर देन वेलकम। या तब तक जी रिक्वेस्ट्स। या परम जी वी ऑल आर वेटिंग, जस्ट हैव पेशेंस फॉर अनदर 5 more minutes, मे बी 7 more minutes, सो ही विल बी विद अस। टिल देन इन एनी केस अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी है जो आप मुझसे पूछना चाहें या बात करना चाहें या पूछना चाहें तो इज़ मोर देन वेलकम। गाइस कितने लोग हैं जिन्होंने हमारा अभी तक शोरूम नहीं देखा है? ज़रा मेरे को, मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ आप सबके, ज़रा मुझे मैसेजेस करके बताइए। हु ऑल हैव नॉट सीन द आई एम राइट नाउ एट द हेड क्वार्टर्स, आई एम एट गुड़गांव शोरूम। कितने लोगों ने नहीं देखा है और कितने लोग हैं जो देखना चाहेंगे? मतलब हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू सी द शोरूम राइट नाउ? लेट मी सी, अगर इफ अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी इज मोर देन वेलकम। या ओके चलो आई विल शो यू द शोरूम अराउंड गाइस। मैं शुरू करता हूँ अपने केबिन से। सो दिस इज माय केबिन गाइस, दिस इज वेयर आई सिट एंड दैट्स माय डैड्स केबिन एंड दिस इज माय कंप्यूटर, ऑलवेज बिग बॉय टॉय इज देयर। सो मैं केबिन से शुरू करने जा रहा हूँ गाइस, सो दे कैन ड्रॉप पुअर कनेक्शन। ओके सो दिस इज माय फादर्स केबिन गाइस। ये मेरा जो केबिन है मेरे डैड का, ये इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था सो मेरे जो डैड का ऑफिस था वो कनेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है गाइस। सो द स्टोरी बिहाइंड दिस केबिन इज, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इन द ईयर 2005 एंड आई जॉइन माई डैड्स ऑफिस, तब जो मेरे डैड का ऑफिस था वो था 400 square feet का। और अब जब हमने अपना नया ऑफिस बनाया है, हमने बिग बॉय टॉयज बनाया है, तो मैंने अपने डैड का जो केबिन है दैट इज़ बिगर देन द ऑफिस वेयर आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम। सो डैड का ऑफिस वॉज 400 एंड ये वाला जो हमारा केबिन है दिस इज 550 square feet। सो एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
मतलब इफ़ यू गाइज डोंट माइंड, एंड तब तक ये भी चेक कर लेते हैं सिद्धू पाजी का लाइव रिक्वेस्ट आया है या नहीं आया है. Just waiting. So let me see the live requests. पाजी की रिक्वेस्ट अभी आई नहीं है, आने वाली है. Then we shall definitely start. So one more thing, मतलब मेरा फेवरेट पोर्शन है बट आपको फनी ना लगे, बट मैं सोच रहा हूँ चलो let me show it to you. So this is one portion which is very very important for us. This is actually the washroom of Big Boy Toys. So, मतलब अब ये मत बोलिएगा कि मैं वॉशरूम दिखा रहा हूँ, बट अगेन इसको हमने बहुत दिल से तैयार किया है, बहुत दिल से बनाया है. सो आई थॉट आई जस्ट प्रोबेबली शो इट टू यू एंड लेट्स गो एंड सी सम कार्स विच वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन. सो ये हमारी वॉल ऑफ फेम है, आई विल शो यू दिस इज वेल, एंड दिस इज सो This is the Wall of Fame. ये हमारे को जब हमारा शोरूम लॉन्च हुआ था तो ये जो हॉकी स्टिक है ये हमारे जो इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन हैं सरदार पाजी, ही गिफ्टेड इट टू अस एट द लॉन्च. सो दिस इज आवर Wall of Fame. सो गाइज लेट्स सी सम कार्स नाउ. So this is our ground floor and the main floor. So मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं वैसे वैसे ऑडियंस इज इंक्रीजिंग अ बिट. सो गाइज दिस इज लिटिल बिट ऑफ आर कलेक्शन एट गुड़गांव. So let's start from here. This is a Hummer H2 which we have. This is my favorite, our Rolls-Royce Phantom. Guys, I've just sent the request for Sidhu Paji to join. Sir ji. Hanji, hanji vire, kivein ho ji, kya hal chaal hai? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. सबसे पहले माता जी नू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड सर. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू जी. एंड क्या क्या कराया सर मॉम को सुबह से, कहाँ कहाँ लेके गए, क्या क्या किया? आई नो लॉकडाउन है, बड़ा टफ है. लॉकडाउन अवरे घर ही बना लिया, पड़ा जन्म जट रहता घर ही होंगे. सो मेरी तरफ से विशेष दे दी है आपने? जी भाई, जी भाई. डन, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. जब तक आप नहीं आए थे पाजी तब तक मैं सोचा था थोड़ी सी कलेक्शन दिखाएं. चलो everybody wanted to see. आप भी गुड़गांव वाले शोरूम नहीं आए हो ना, आपने नहीं देखा नहीं, ना नहीं ब्रो, नहीं ब्रो, मैं आया नहीं था. तो let me also show you. So ये वाला जो हमारा शोरूम है ये चार फ्लोर्स हैं पाजी, जिसमें से दिस इज द ग्राउंड फ्लोर जी एंड दिस इज द एंट्रेंस जी. सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट एंड ये हम यहाँ से मतलब दो फ्लोर्स ऊपर देख सकते हैं और उसके ऊपर दो फ्लोर्स और हैं, मींस एक टेरेस है एंड देन वी हैव द स्टाफ एरिया एज वेल देयर एंड हर जगह पार्किंग है. और बताओ सर क्या चल रहा है, क्या कर क्या रहे हैं लॉकडाउन में? बस ब्रो कम करी अन्य खेत हम ब्रो लाइक आर रिकॉर्ड फ्रॉम द मंडे को नोट. राइट ओ फैंटास्टिक फैंटास्टिक जी भाई. सर कितने गाने बनाए हैं लॉकडाउन में? गाने ब्रो बहुत बने, गाने तो ब्रो चलते ही रहते हैं, गाने गाने ही गाने हैं ब्रो, मुकने नहीं है ब्रो. बट लॉकडाउन में जो छुट्टियां चल रही है ठीक-ठाक चल रही है ब्रो, सारा कुछ एवरीथिंग इज गुड. एवरीथिंग इज गुड सर, धंधा तो शुरू हो चुका है. वी बीन ऑपरेशनल सिंस लास्ट मंडे.
सो अब ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए हैं काम शुरू किए हुए. सो अब जो भी लास्ट 1-1.5 महीना खराब हुआ है उसको कवर अप करना है. परमिशन लेके हमने चालू कर लिया है 30% वर्कफोर्स के साथ. ठीक है जी. एंड बाकी देखते हैं सर, मेरे ख्याल महीना दो महीना तो सर और अभी लगेगा सारी चीजों को. ऑफ कोर्स लगूगा, इतना इतना मिनिमम इतना का लगूगा ही लगूगा ब्रो. बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो सिद्धू भाजी अब मेरे को ये बताओ यार, आपने अपना मतलब फर्स्ट सबसे पहले आपको रियलाइज कब हुआ कि आप म्यूजिक बनाना चाहते हो? ब्रो लॉन्ग स्टोरी है. मैं तो ब्रो 5वीं 6वीं तो गाना बहुत छोटा हूं था गाना. मैं मैंने पता नहीं सीगा भी आपा सिंगर सुंगर बनाएंगे, पर बस ऐदा ही लगता हुंदा सीगा भी कुछ ना कुछ आपा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करांगे ते भी आपा आम लाइन च लग के तुरन वाले लोकां च नहीं हैगे, भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा. ते ओ होया ना हौली हौली रियलाइज, पता नहीं आप ही ब्रो वाइज ने बाह फड़ी, पता नहीं कितों कितों ही लेके आया वो. राइट जी, जो इंटेंशन अच्छी होती है, मेहनत करते हो तो ऊपर वाला साथ तो देता है, डेस्टिनी आल्सो. जी जी ऑफ कोर्स भाई ऑफ कोर्स. तो सर आपका सबसे पहला जो आपने म्यूजिक वीडियो बनाया था, जो सबसे पहला सिंगल आपका आया था, वो कब आया था, व्हिच ईयर? कमर्शियल में 2 जुलाई 2017 या 2017 च आया सर. सेकंड ओके ओके. एंड सबसे बड़ा दिन कौन सा है आपका, आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर? ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੋ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬ੍ਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਲਓ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੋ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਬ੍ਰੋ. ਕਰੇਕਟ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੋ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ. ਜੀ ਭਾਈ. ਬਾਕੀ ਅਭੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਅਗਲੇ 3 ਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆ ਰਹਾ ਹੈ? ब्रो गाने ही गाने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गाने आ रहे हैं. तो मतलब हर महीने हम देख रहे हैं नया गाना जी, या हर महीने? पक्का ना? जी जी ऑफ कोर्स. वाओ, वेटिंग वेटिंग फॉर इट ब्रो, वेटिंग वेटिंग फॉर इट. मतलब इट विल बी लवली टू सी यू एवरी मंथ, मजा आ जाएगा जी. शुक्रिया भाई, शुक्रिया. और तू दोस्तों सेता कैम बचे हुए हो कोरोना कोरोना तो? हां जी सर, सारे बचे हुए हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं. अपनी थोड़ी सी लंबी चौड़ी टीम है, 600 लोग हैं जो डिपेंडेंट हैं बिग बॉय टॉयज के ऊपर. सो सबको सेफ रखा है, सारी की सारी चीजें, जो जो लोग घर से काम कर सकते हैं उनसे वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं चल सकता बिल्कुल, वो ऑफिस आना शुरू हो गए हैं. मतलब बेयर मिनिमम सबको एडवाइस दे रहे हैं घर से बाहर नहीं निकलना, बिकॉज सिर्फ उनकी लाइफ नहीं, उनके पेरेंट्स, बाकी सारे छोटे बच्चे, सब सब सबकी लाइफ इज इन डेंजर अगर वो कोई भी चांसेस लेते हैं. तो मेक श्योर कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें ओके रहें और कंफर्टेबल. सही है वो, सही है, सही है, इतना ही होना चाहिए वो. थोड़ा थोड़ा टाइम ही है भी, आप अपनी सेफ्टी आप रखिए थोड़ा यार, इनो आप आपरी आप हेल्प भी करते हैं, आप दूसरे लोगों की भी हेल्प करते हैं ना. सो मैं भी सारे को यही कह रहा था कल भी, अपना ध्यान रखो यार. सिद्धू भाजी आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरे ख्याल पॉज हो गया था. हेलो सर, कनेक्शन की वजह से ना. जी आवाज आ रही है अभी? हां अब आ रही है सर. आप क्या कह रहे थे? मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप क्या चैरिटी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो पब्लिक के लिए, आप क्या कर रहे हो. देखो ब्रो, मतलब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो चुकी हैं, इन सबको बिना काम के संभालना ही इन इटसेल्फ में बहुत बड़ा काम है. मतलब 600 लोग जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, सारी की सारी चीजें हम मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई बीमार हुआ, अब ऐसा अगर कोई बीमार होता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसकी सैलरी 10,000 है तो हम 10,000 रुपए देंगे. अगर उसके अगर वो बीमार है और उसके उसको ठीक करने के लिए हमारे को 2 लाख का भी हॉस्पिटल का एक्सपेंस आता है तो हम सोचते नहीं है. तो जो हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, और हमेशा चैरिटी के लिए लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, वो ये ऐसी चीजें हैं जो जिनको शायद फोटो, जब आप चैरिटी करने जाओ तो कैमरा घर रख के जाना चाहिए, हमारी सोच है ऐसी. जी जी जी, पता की गल है ब्रो जी, आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सामभ ली भी, जिन्नी जिन्नी चीजा अपने को मैं अपना पिंड सामभ रहा, तुम अपना जिन्ना बिजनेसमैन जिन्ने भी अपने बहुत वधिया दिन सीगा ब्रो, अज कुल मिला के माता दे नाम ही लाया दिना
ਹੁਣ ਬਸ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਰ ਆਜ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੇ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮਮਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ ਬ్రో ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣਾ ਆਪਣੇ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜੀ ਫੋਨ ਹੈ ਤਾਲੀਆਂ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ सर एक मेरे को सवाल पूछना है मेरा सवाल ये है कि जब आप एक गाना बनाते हो जी तो पहले आप उसका म्यूजिक बनाते हो या पहले उसके लिरिक्स बनाते हो या पहले गाना लिखते हो कैसे मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करता है जिन लोगों को म्यूजिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको आप कैसे बताएंगे ब्रो सिचुएशनल सिचुएशनल है सारा कुछ भी देता इवन अपने को जब अपने को म्यूजिक कई बार बीट होंगी तो बीट पर लिख लें हूँ जिम्मे यह गाँव सगा मैं उदा ही बैठे बैठे पहला गाँव लिखा से उदो बाद बीट से पाया है ना भी समटाइम कई बार बीट से भी लिखा जाता कई बार डिपेंड करता ओके ओके कई बार सिचुएशन यह होंगी सिचुएशन से भी लिखा जाता ओके राइट 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 सो ऐसी कौन सी सिचुएशन के ऊपर आपने कौन सा गाना लिखा है ये हम सुनना चाहेंगे सर जस्ट लिसन भाई मैं सिचुएशनल गाना लिखा सीगा एक ओके राइट ईस्ट साइड फ्लो सिचुएशनल गाना सीगा राइट फुल जो गाना इस सिचुएशनल सीगा जिमे सो आई सीगा ये मैं म्यूजिक ते लिखा सीगा राइट कम से कम कितना टाइम लगता है और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगा है आपको मिनिमम ब्रो 15 मिनट मैक्सिमम ब्रो साल भी लगे जी भाई और बड़ी नर्वसनेस होती होगी ना जब आप गाना लॉन्च हो रहा होता होगा पब्लिक की ओपिनियन क्या आएगी या नहीं होगा आपको अपन अपनी क्वालिटी का पता ब्रो अपनी पब्लिक पसंद ही करती है अपन तो म्यूजिक में सबसे ज्यादा नर्वस कब हुए थे आप मतलब कभी ऐसा लगा था कि नर्वस या क्योंकि फिफ्थ क्लास से आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस हो गई है ब्रो बहुत टाइम हो गया हुन नहीं नर्वसनेस हुंदी बिल्कुल भी नहीं हुंदी मैं तो सब पूरा कॉन्फिडेंट हूं ना ब्रो इवन स्टेज पे स्टूडियो च एवरीवेयर ब्रो फैंटास्टिक फैंटास्टिक ऐसे ही होता सर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहते हैं ना सर जी ये प्रैक्टिस ही है सर कितने साल हो गए सर आपको प्रैक्टिस करते हुए 17 साल 18 साल या 17 साल तो मिनिमम हो गए होंगे 17 18 साल वाओ जी क्योंकि मैं 5th क्लास तो गा रहे हैं ब्रो 5th क्लास राइट और आपने स्कूलिंग कब कंप्लीट करी है ब्रो स्कूलिंग ब्रो 2012 अच्छा ओके ओके तो अभी कंप्लीट हुई है सर 8 साल हुए हैं जी 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਤੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2018 ਚ ਪੂਰਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ बट कॉलेज नहीं गए मतलब कॉलेज गए हैं मतलब काम शुरू हो गया था 17 साल की उम्र में ही तो दिन में कॉलेज होता था शाम को काम होता था और ऐसे ऐसे करके मतलब पहली इन्वेस्टमेंट करी थी 70,000 रुपए से करियर शुरू किया सर और आज जो थोड़ा बहुत अचीव कर पाए हैं वो आपके सामने ही है सर लगे हुए हैं अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए बहुत कैंट भाई बहुत कैंट छोटी इन्वेस्टमेंट तो ही बड़ियां बननी है ब्रो 100% सर 100% अगर मैंने कभी सोचा होता जी उसके बाद में धंधा शुरू करूंगा और बाकी सारी चीजें होंगी तो फिर तो धंधा हो लिया होता सर और हमने कर लिया होता जी 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 सो विजन और इरादे जी जी
So, अब इसके बाद आज का क्या प्लान है माता जी के साथ, क्या प्लान है इसके बाद, शाम को क्या कर रहे हैं? आज माता जी नाल जी बस प्लान ही प्लान है ब्रो, हुन बस घरे चले हैं, बस माता जी सुननी है, माता जी नु सुनाउनी है अज, अज यानी कि उन्होंने टाइम देना बस उन्हें दो दिन छुट्टी रह के आया सी, माड़ा खेत खुद जाया मैं घरे, ब्रो टाइम पास करना बहुत डिफिकल्ट है। True. और आज तो उन्हीं का दिन है सर, सारा दिन उन्हीं के साथ होना चाहिए। एंड ब्रो इतना मतलब इतने इम्पोर्टेंट दिन के ऊपर आप हमारे साथ लाइव आए हो, आपने इतना टाइम निकाला है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत सारे लोग थे जो आपको सुनना चाह रहे थे, आज गाना भी आया है, मॉम का बर्थडे भी है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ब्रो। एंड जैसी चीजें नॉर्मलाइज होती है हमने गुड़गांव आना है या मैंने पंजाब आना है। For sure bro, for the most welcome at any time, jadon aaye jadon main mil ke jaunga bro. Done hai bro. Theek hai bhai ji, kya rakhe, thank you sir. Thank you. So guys, thank you very much for being a lovely audience, and wait for the next live session. We are coming soon to you very shortly. Thank you, take care, bye.